व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शौकत और गाइस आज इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ मोटोरोला की सारी के सारी अपकमिंग डिवाइस के बारे में जो कि है मिड रेंजर से लेकर फ्लैगशिप तक। तो अगर आप लोग मोटोरोला डिवाइस के फैंस है तो ये वीडियो एकदम एंड तक देखते रहिए और बीच में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अगर मोटोरोला के अपकमिंग डिवाइस के बारे में बात करें तो अपकमिंग जो डिवाइस है वो है मोटो G6, G6 प्ले, G6 प्लस, मोटो E5, E5 प्लस, मोटो X5, मोटो Z3 और Z3 प्ले। और इस बार मोटोरोला की डिवाइसेस लगभग सारे के सारे डिवाइसेस नए ट्रेंड फॉलो करके ही लॉन्च होगा जो कि है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले और एक ब्यूटीफुल बेजललेस डिस्प्ले और 12 कैमरा सेटअप। तो अगर बात करें मोटो G सीरीज स्मार्टफोन की तो G6 और G6 प्ले में हमको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ठीक ही, लेकिन G6 प्ले में हमको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा, हमें वो पुराना 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा मोटो G6 प्ले में। और अगर बात करें डिस्प्ले साइज की तो मोटो G6 में हमको देखने को मिलेगा 5.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और मोटो G6 प्लस में हमको देखने को मिलेगा 5.93 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और G6 प्ले में हमको देखने को मिलेगा 5.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। और फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा मोटो G6 और G6 प्लस में सॉफ्टवेयर बटन जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर के काम करेगा, लेकिन मोटो G6 प्ले में हमको कोई सॉफ्टवेयर बटन देखने को नहीं मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा मोटो G6 प्ले में पीछे की तरह M का लोगो जो बता जा रहा है कि वही काम करेगा फिंगरप्रिंट सेंसर का। और बात करें अगर प्रोसेसर की तो मोटो G6 और G6 प्ले में हमको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट और मोटो G6 प्लस में हमको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 का चिपसेट। और बात करें अगर रैम और स्टोरेज वेरिएंट की तो मोटो G6 में हमें देखने को मिलेगा 3GB और 4GB का रैम वेरिएंट और 32GB और 64GB का स्टोरेज वेरिएंट। और मोटो G6 प्लस की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा 3GB, 4GB और 6GB का रैम वेरिएंट और 32GB और 64GB का स्टोरेज वेरिएंट। और बात करें अगर मोटो G6 प्ले की तो हमें देखने को मिलेगा 2GB और 3GB का रैम वेरिएंट और स्टोरेज की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा 16GB और 32GB का स्टोरेज वेरिएंट। और बात करें अगर कैमरा सेक्शन की तो हमें मोटो G6 और G6 प्ले में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, ठीक ही, लेकिन G6 प्ले में हमको वही सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और सेंसर की बात करें तो मोटो G6 और G6 प्ले में हमको देखने को मिलेगा 12MP प्लस 5MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट कैमरा की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा 16MP का फ्रंट कैमरा। और बात करें अगर मोटो G6 प्ले की तो G6 प्ले में हमको देखने को मिलेगा 12MP का रियर कैमरा और फ्रंट की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा 8MP का फ्रंट कैमरा सेटअप। और बात करें अगर बैटरी कैपेसिटी की तो मोटो G6 में हमको देखने को मिलेगा 3000mAh का बैटरी कैपेसिटी और G6 प्लस में हमको देखने को मिलेगा 3200mAh का बैटरी कैपेसिटी और G6 प्ले में हमको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा बैटरी कैपेसिटी जो कि है 4000mAh का बैटरी कैपेसिटी। और हम आशा कर सकते हैं कि हमें मोटो G6 डिवाइस मिले 13,000 के नीचे की प्राइस रेंज में और G6 प्लस हमें मिले 16,000 की प्राइस रेंज के नीचे। और हम आशा कर सकते हैं कि मोटो G6 प्ले जो होगा वो हमें मिले 10,000 के नीचे की प्राइस रेंज में। और हम आशा कर सकते हैं कि ये तीनों डिवाइस लॉन्च हो MWC 2018 में जो कि इस मंथ की एंड में ही शुरू होगा। और गाइस अब बात करते हैं मोटो X सीरीज स्मार्टफोन की और इस साल रिलीज होने वाला है मोटो का मोटो X5 सीरीज जिसमें हम देख पाएंगे 5.9 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। और इस बार मोटो X5 में हमको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 670 का प्रोसेसर जो कि 670 जो प्रोसेसर है वो MWC 2018 में ही लॉन्च होगा। और हमें देखने को मिलेगा मोटो X5 में 4GB रैम वेरिएंट और 32GB और 64GB का स्टोरेज वेरिएंट। और मोटो X5 में हमको देखने को मिलेगा मोटो स्मार्ट AI फंक्शनलिटी जो असिस्ट करेगा कोर एंड्रॉइड लाइक नोटिफिकेशन और फेशियल रिकॉग्निशन। और एक पिक्चर लीक हुआ है जो बता रहा है कि मोटो X5 में हमको देखने को मिलेगा iPhone 10 की तरह नॉच, तो बहुत ही कूल होने वाला है ये। और एक पिक्चर यही बता रहा है और जो पिक्चर लीक हुआ है उसमें कोई फिंगरप्रिंट सेंसर की जगह हमें नहीं देखने को मिलता है, तो हम आशा कर सकते हैं कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर होगा वो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर हो। और बात करें अगर कैमरा सेक्शन की तो ये बहुत ही ऑसम होने वाला है, हमें देखने को मिलेगा मोटो X5 में डुअल फ्रंट कैमरा और डुअल बैक कैमरा सेटअप। और सेंसर्स की बात करें तो रियर कैमरा में हमको देखने को मिलेगा 12MP प्लस 5MP का डुअल कैमरा सेंसर और फ्रंट की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा 16MP प्लस 8MP का कैमरा सेटअप। और मोटो X5 में हमको देखने को मिलेगा 3300mAh का बैटरी कैपेसिटी और हम आशा कर सकते हैं कि ये डिवाइस लॉन्च हो MWC 2018 में, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और बात करें अगर मोटो E सीरीज की स्मार्टफोन की तो हमें मिलने वाला है इस बार मोटो E5 और E5 प्लस मिडिल ऑफ 2018 में।
तो हम इस बार मोटो ई सीरीज के सारे स्मार्टफोन में देख पाएंगे 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले, जो कि बहुत ही कूल होने वाला है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोटोरोला अपने ई सीरीज स्मार्टफोन में मीडिया रेट की प्रोसेसर देता है, तो हम इस बार आशा कर सकते हैं कि इस बार मोटो ई सीरीज में हमको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। और हम ये भी आशा कर सकते हैं कि हमें इस बार मोटो सीरीज में देखने को मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप। अगर डुअल कैमरा सेटअप नहीं देखने को मिलता है तो हमें देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप। तो बात करें अगर बैटरी कैपेसिटी की, तो हमें इस बार मोटो ई सीरीज में मिलने वाला है 4000 mAh का बैटरी कैपेसिटी, और ये फोन लॉन्च होगा 2018 की मिडिल में। तो देखते हैं क्या होता है, जब भी कोई र्यूमर आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अभी इस डिवाइस का कोई र्यूमर वैसे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जो मैं आशा करता हूँ इस डिवाइस के बारे में। आप मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या आशा करते हैं इस डिवाइस के बारे में। अब बात करते हैं मोटो की फ्लैगशिप डिवाइस के बारे में, जो कि है मोटो Z3 और Z3 Play। और मोटो Z3 और Z3 Play में हमको देखने को मिलेगा 6 इंच का एक बेजललेस डिस्प्ले, जो कि आएगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। और बात करें अगर इन दो मोबाइल की प्रोसेसर की, तो हमें देखने को मिलेगा इन दोनों मोबाइल में ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट। साथ ही साथ देख पाएंगे 4GB का रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज। और हमें देखने को मिलेगा इन दोनों डिवाइस में एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स। और मोटो Z3 जाना जाता है मोड और मॉड्यूलरिटी के लिए, और इस बार हम आशा कर सकते हैं कि मोटो Z3 जो प्ले वेरिएंट होगा वो आए 5G मोटो मोड के साथ। और बात करें अगर कैमरा सेक्शन की, तो हमें इस बार मिल सकता है मोटो जेड सीरीज में 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप। और ये भी एक लीक आया है हमारे पास कि हमें देखने को मिलेगा मोटो जेड सीरीज में ट्रिपल कैमरा सेटअप, लेकिन ये अभी कॉन्फर्म नहीं है। जब भी कोई कॉन्फर्म न्यूज आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो हमें मिलेगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो हमें मिलेगा इस डिवाइस में 3300 mAh का बैटरी कैपेसिटी। और हम आशा कर सकते हैं कि ये डिवाइस हमें मिले MWC 2018 में। तो गाइस आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप इन डिवाइस के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको पर्सनली कौन सा डिवाइस ज्यादा पसंद है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब, और पास में जो बेल बटन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको मिले क्विक नोटिफिकेशन। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर दो यार, लिंक सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मेरा नाम है शोइको, तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।